Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your Balaji teacher. So, कैसे हैं आप लोग? Exams की तैयारियां कैसी चल रही हैं? Of course, अच्छी चल रही होंगी, I hope so. And videos देख के आपको I hope so कि सब कुछ समझ आ रहा होगा. अगर नहीं समझ आ रहा है तो comment section में आप पूछ सकते हो अपने doubts. So, इसके पहले वाले session में हमने क्या चीज के बारे में बात करा था? हमने हार्ट के बारे में बात करा था, हार्ट की मैकेनिज्म के बारे में बात करी थी एंड ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैरी आउट होता है ईच साइकिल, वो साइकिल कैसे चलता है कि ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है फिल्टर होने के लिए एंड लंग्स से वापस हार्ट में आता है एंड देन हार्ट उसे पूरी बॉडी में एक्सपोर्ट करता है. ये हमने पिछले क्लास में देखा था. हमने आर्टरीज और वेन्स का डेफिनेशन देखा था, उनका काम क्या होता है ये हमने देखा था, उनके बीच में डिफरेंस भी हमने देखा था. ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हम कवर अप कर चुके थे. मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मैं आज की क्लास में आपको प्लेटलेट्स के बारे में बताने वाली हूं, प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिम्फ. ऑलराइट, सो प्लेटलेट्स जो होते हैं, जो प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या काम होता है कि ब्लड को क्लॉट करना. व्हाट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? जब भी कोई इंजरी हो जाती है, मान लेते हैं कि ये एक वेन है. ऑलराइट, वेन है ये एक, मान लेते हैं कि इस वेन में कहीं पर, मान लेते हैं इस जगह पे इस पर्टिकुलर जगह पे इंजरी आ गई है, कुछ इसमें डिफेक्ट आ गया है या फिर इसमें कुछ कट हो गया है. ऑलराइट, सो अब कट हो गया है तो इसमें तो इस वेन्स में तो रेड ब्लड सेल्स है, प्लाज्मा है, ब्लड के सारे कंपोनेंट्स, ब्लड फ्लो कर रहा है. ऑलराइट, तो अगर इसमें एक लीक हो जाए, मान लेते हैं एग्जांपल कि हम एक पाइप लेते हैं, पाइप होती है. ऑलराइट, ओके, एक पाइप में जब एक लीक आ जाता है तो वाटर क्या होता है, उस लीक में से बाहर निकलने लगता है. ऑलराइट, वाटर फ्लूइड है, बाहर तो निकलेगा ही. तो उसी तरीके से अगर वेन्स में, जो कि पाइप्स के जैसे हैं, ट्यूब्स के जैसे हैं, अगर उनमें कोई लीक आ जाए तो क्या होगा कि ब्लड का फ्लो खराब हो जाएगा. ऑलराइट, लीकेज हो जाएगी. ऑलराइट, तो जब लीकेज हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड फ्लो का प्रेशर कम हो जाएगा एंड जो पंपिंग सिस्टम है, जो हमारा हार्ट है, उसकी पंपिंग में फर्क पड़ेगा. ऑलराइट, तो ये सारे प्रॉब्लम्स अराइज होंगे इसकी वजह से. तो अब इसे हम रिपेयर कैसे करेंगे, यही काम होता है प्लेटलेट्स का. ऑलराइट, प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स में फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं. ये फाइब्रिल्स क्या करेंगे कि इस गैप को प्लग कर देंगे. प्लग कैसे कर देंगे? ये फाइब्रिल्स इस तरह के कुछ नेट टाइप का स्ट्रक्चर उसमें बना देगा इसे प्लग करने के लिए. मान लेते हैं कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना देगा एंड उसे प्लग कर देगा, क्योंकि उसे जो ब्लड की वेस्टेज हो रही है उसे मिनिमाइज करना है. ऑलराइट, ब्लड की वेस्टेज को उसे मिनिमाइज करना है, तो वो क्या करेगा कि इस तरह का नेट का स्ट्रक्चर बना के, नेट टाइप का स्ट्रक्चर बना के उसे प्लग कर देगा एंड क्या होगी, ब्लड की जो मींस वेस्टेज होगी वो मिनिमाइज होगी इससे. ऑलराइट, दिस इज ओनली कॉल्ड द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. अब इसने यहाँ नेट टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया. अब जो आरबीसीज जो निकल रहे थे, उस लीकेज से बाहर निकल जा रहे थे, अब वो यहाँ पर आकर के जमा हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे. ऑलराइट, यहाँ आकर के जमा हो जाएंगे, अब बाहर उन्हें नहीं निकलने दिया जाएगा, वो वेस्ट नहीं हो पाएंगे. अब तो आपने देखा होगा कि, ध्यान दिया होगा कि कभी किसी को अगर चोट लग जाती है उंगली में ज्यादा जोर से, तो एक जगह ब्लैक कलर का स्पॉट बन जाता है. ऑलराइट, दीज आर व्हाट, दीज आर द आरबीसीज जो ब्लड क्लॉटिंग के बाद यहां आके इस नेट टाइप के स्ट्रक्चर में आके जमा हो गए हैं. ऑलराइट, सो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का पार्ट क्लियर है आप लोगों को. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्फ. ओके, नाउ ये जो लिम्फ है ये क्या होता है? ब्लड तो हमने पढ़ लिया, ब्लड भी फ्लूइड होता है, लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड. टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? कैसे टिश्यू फ्लूइड हुआ?
कैपिलरीज जो मैंने आपको बताया था, कैपिलरीज क्या होती है? स्मॉलेस्ट टाइप्स ऑफ वेसल्स होती हैं, सबसे बिल्कुल बारीक टाइप की. ऑलराइट, एंड इनकी जो लाइनिंग होती है, इनकी जो वॉल्स होती है, वो सिर्फ वन सेल थिक होती है. इसी से क्या होता है कि कैपिलरी से ही जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ब्लड में, वो पॉसिबल होता है. और सो अब ये तो थिन वॉल्ड है, बहुत बहुत ही थिन वॉल्ड है जिससे कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है. तो हो सकता है कि इससे कुछ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स बाहर निकल जाए, क्योंकि ये बहुत ही थिन है इसका वॉल. ऑलराइट, तो ऐसा ही लिम्फ के केस में होता है. कुछ प्लेटलेट्स, कुछ आरबीसी, कुछ प्लाज्मा जो है वो इन थिन वॉल्स से एस्केप करके बाहर निकल जाता है. एंड कहां पर चले जाता है? इंटरसेल्युलर स्पेसेस में. व्हाट आर इंटरसेल्युलर स्पेसेस? जो सेल्स के बीच में जो स्पेस बचा रहता है उसमें एस्केप आउट करके चला जाता है. तो इसी फ्लूइड को हम लिम्फ बोलते हैं या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं. लेकिन इस लिम्फ में और ब्लड में क्या डिफरेंस है? ये जो लिम्फ होता है ये कलरलेस होता है. ऑलराइट, कलरलेस होता है, पर प्लाज्मा या फिर ब्लड जो होता है, ब्लड प्लाज्मा जो होता है, वो रेड इन कलर होता है. ऑलराइट, नाउ इट कंटेन्स लेस प्रोटीन देन प्लाज्मा. ये जो कंपोनेंट होता है, ये जो लिम्फ है, इनमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है. किससे कम होता है? प्लाज्मा के मुकाबले. प्लाज्मा के मुकाबले बहुत ही कम प्रोटीन कंटेंट होता है. ऑलराइट, नाउ ये जो लिम्फ है ये क्या करेंगे? अब ये लिम्फ कैपिलरीज में जाएंगे. अब ये जो लिम्फ कैपिलरीज है ये जमा होकर के एक बड़ी लिम्फ वेसल बनती है. एंड ये जो लिम्फ वेसल है ये फाइनली ड्रेन आउट हो जाती है लार्जर वेन्स में. और इसका लिम्फ का काम क्या है? ये जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, जो ज्यादा फ्लूइड होता है, उसे कलेक्ट करके अगेन वेन्स में भेज देती है, यानी कि अगेन ब्लड में एक्सपोर्ट आउट कर देती है. यही काम है लिम्फ का. ऑलराइट, सो ये था हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस हमने पूरा खत्म कर लिया है. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में हमने क्या देखा? हार्ट देखा, लंग्स देखा, कैसे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज कैसे हेल्प करते हैं इस नेटवर्क को बनाने में. ऑलराइट, आज हमने देखा कि प्लेटलेट्स का काम क्या है एंड लिम्फ का काम क्या है. नाउ अब मैं आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में आज सिर्फ एक ओवरव्यू दे देती हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. इस टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे. जो मैकेनिज्म है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे. सो जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है. एनर्जी तो उन्हें मिलती है. कैसे मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेके, वाटर बाहर से लेके मिलती है, सनलाइट बाहर से लेना पड़ता है, क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है. अब ये जो वाटर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, ये सारी चीजें कहाँ कहाँ से मिलती हैं मैंने आपको पहली वीडियोस में क्लियर कर दिया है, बता दिया है. ऑलराइट, सो वाटर की बात करते हैं. वाटर कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलता है. सॉइल जो है वो सबसे नियरेस्ट सोर्स है प्लांट के लिए. किसी भी न्यूट्रिएंट को लेने की बात हो अगर, या फिर वाटर को लेने की बात हो, तो सबसे नियरेस्ट जो है उसके पास क्या है? सॉइल है. तो सॉइल से वाटर जो है वो कौन लेगा? नियरेस्ट क्या है? रूट्स है. रूट्स लेगा वाटर. नाउ मान लेते हैं कि प्लांट बॉडी की साइज बहुत बड़ी है. इतना बड़ा प्लांट है, मान लेते हैं कि एक ट्री है. ऑलराइट, अब ये जो रूट्स हैं ये वाटर ले रहे हैं किससे? सॉइल से. सॉइल से वाटर ले रहे हैं. यहां मान लेते हैं कि सॉइल है. ऑलराइट, नाउ अब ये वाटर यहाँ आया, H2O यहाँ पर ले लिया रूट्स ने. अब इस H2O का काम सिर्फ रूट्स को तो नहीं है, इस H2O का काम तो यहाँ जो लीफ प्रेजेंट है उसे भी है. ऑलराइट, इस H2O का काम किसे है? यहाँ जो लीफ प्रेजेंट है उसे भी काम है. ऑलराइट, तो ये H2O यहाँ से इतनी दूर जाएगा कैसे? कैसे जाएगा? ऑलराइट, नाउ दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं. ये जो लीव्स हैं, यहाँ जो लीफ प्रेजेंट है, ये क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है. आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में होता है. किचन होता है लीफ किसी भी प्लांट का. ऑलराइट, सो लीफ में क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के बाद. तो इस एनर्जी का काम आपको क्या लगता है कि सिर्फ लीफ को काम है एनर्जी का? सिर्फ ये लीफ ही एनर्जी लेगा? नो,
इस लीफ से नीचे भी लाना है, इस रूट्स को भी काम है एनर्जी की, और तो वाटर रूट्स से लीफ में एंड टॉप मोस्ट लीफ्स से जो एनर्जी है, जो रॉ मटेरियल्स है, वो रूट्स में कैसे आएंगे एंड वाटर रूट्स से उस टॉप मोस्ट लीफ तक कैसे जाएगा, यही हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। सो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं। वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। मान लेते हैं कि रूट्स ने यहाँ H2O ऑब्जर्व किया, अब ये ट्रांसपोर्ट करना है मुझे टॉप मोस्ट लीफ तक, तो ये पॉसिबल होता है जाइलम वेसल्स से। जाइलम जो है ये वाटर को पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, एंड फ्लोएम जो है, फ्लोएम टिश्यू जो है, ये क्या करता है कि ये रॉ मटेरियल्स को यानी कि एनर्जी को जो कि लीफ में बन रही है उसे सारे प्लांट बॉडी में ट्रांसफर करेगा टिल द रूट्स, क्योंकि रूट्स को भी जरूरत है। नाउ ये जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या एंड मैकेनिज्म क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट का, एंड ऑल्सो रॉ मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट का क्या मैकेनिज्म है, ये हम अगले सेशन में देखने वाले हैं। अगला सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम लोग प्लांट्स के बारे में कुछ देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।